फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है, तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये जो गिरावट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और साथ ही इस तरह के मार्केट कंडीशन में क्या हमें अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। अभी हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाले फ्यूचर में इंडियन स्टॉक मार्केट्स और कितना ज़्यादा गिर सकता है। तो अगर हमें अच्छी तरह से समझना है कि स्टॉक मार्केट में नियर फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए जानना होगा कि स्टॉक मार्केट गिर क्यों रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लगातार गिरने के ये फोर मेन रीजंस हैं। नंबर वन रीज़न तो आप सभी को पता होगा, फिलहाल ये चल रहा है, दैट इज़ ईरान और इसराइल के बीच का वॉर। तो देखिए, पहले तो ईरान ने अटैक किया था इसराइल पे, अब इसराइल ने भी एक छोटा सा अटैक ईरान पे किया है। तो यहाँ पे देखिए, ये अटैक कोई बड़ा नहीं है। जब ईरान ने भी अटैक किया था तो उसने सोच समझ कर अटैक किया था कि ऐसा अटैक करूँ कि इसराइल में कोई कैजुअल्टी नहीं हो, क्योंकि अगर इसराइल में कोई कैजुअल्टी होता, लोग अगर मारे जाते, तो इसराइल फिर छोड़ता नहीं, उनका अटैक बहुत बड़ा होता। उसी तरह से अगर इसराइल को देखें तो इसराइल ने भी एक छोटा मोटा अटैक किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो ईरान ने ऑफकोर्स अटैक किया था, लेकिन इसराइल को उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, वहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। और एनी हाउ, इस समय तो यूएस का ही बहुत ज़्यादा प्रेशर था इसराइल पे, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शंस होने वाले हैं, इकनॉमी में प्रॉब्लम आ सकता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर ऊपर गए तो। तो इन सब को देखते हुए इसराइल ने भी एक छोटा मोटा अटैक किया है, तो मोस्टली ये मानकर चलना चाहिए कि चीज़ें एटलीस्ट फॉर द टाइम बींग सेटल हो गई हैं। इसीलिए ऑल्दो ये छोटा सा अटैक हुआ इसराइल का, तो अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखें तो ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया, 89 के आसपास ही है। तो इससे पहले भी 90 के आसपास चला गया था, अभी 89 के आसपास है, क्योंकि अगर कोई मेजर अटैक होता ना, तब तो ये आराम से 90 क्रॉस करता, 95 जाता, और अगर और प्रॉब्लम्स होते तो 100 भी क्रॉस कर सकता था। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस को देख कर नहीं लगता है कि कोई बड़ा इशू हुआ है। और साथ ही देखिए, इसराइल का अगर अटैक आप देखें ना, तो अगर न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक होता तो एक बड़ा प्रॉब्लम होता, या फिर जो उनके ऑयल प्रोडक्शन साइट्स हैं वहाँ पे अगर अटैक होता तो बड़ा प्रॉब्लम होता। तो उस तरह का कोई अटैक फिलहाल हुआ नहीं इसराइल की तरफ से, तो मोस्टली ये मानकर चलना चाहिए कि फॉर द टाइमिंग चीज़ें सेटल हो गई हैं, और शायद यहाँ से नियर फ्यूचर में, एटलीस्ट फ्यूचर में तो बिल्कुल प्रॉब्लम आएगा, ये सालों तक चलेगा प्रॉब्लम, अभी सेटल नहीं हुआ है, लेकिन नियर फ्यूचर में एटलीस्ट यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। स्टॉक मार्केट्स के गिरने का जो सेकेंड रीज़न है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है, इस रीज़न के कारण आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में और भी गिरावट आएगा, और ये है यूएस का इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। यूएस में इन्फ्लेशन जो रिसेंट फिगर आया है, मार्च का इन्फ्लेशन, वो 3.5% आया था, फरवरी का 3.2% था, तो बढ़ गया है। फेड का कंफर्ट लेवल क्या है, 2%, और अभी 3.5% है, तो बिल्कुल जो 2% से तो बहुत ज़्यादा है, और नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि 2% के आसपास जाएगा, क्योंकि यूएस इकनॉमी इतने हाई इंटरेस्ट रेट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो उसको देखकर नहीं लगता है कि जो रेट कट की बातें हो रही थी ना, कि नियर फ्यूचर में होने जा रहा है, अगर एक दो हुआ भी तो कोई मेजर रेट कट नहीं होने जा रहा है। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस साल के लास्ट क्वार्टर में रेट कट हो, नियर फ्यूचर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में तो नहीं लगता है कि होगा। तो एक बहुत बड़ा निगेटिव है ओवरऑल मार्केट्स के लिए। आपको पता है ना, यूएस मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, उसका एक रीज़न ये भी था कि लग रहा था कि रेट कट अब आने वाले हैं नियर फ्यूचर में, लिक्विडिटी आएगा, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। इनफैक्ट क्रिप्टो भी अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण क्रिप्टोज बहुत तेज़ी से ऊपर गए थे, अब वहाँ भी काफ़ी गिरे हैं। तो स्टॉक मार्केट भी वही है। तो फिलहाल अगर उस पॉइंट पर निगेटिविटी और आता है ना, लाइक फेड रिजर्व साइड रेट कट और डिले में करे, या फिर अगर इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है तो कहीं रेट हाइक की बात ना हो जाए, तो वहाँ पे लगता है कि इन रीजंस के कारण, अगर वो रीजंस इसी तरह से बने रहें तो स्टॉक मार्केट में यहाँ से थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकता है। नंबर थर्ड रीज़न है इंडियन इलेक्शंस। तो आज से तो इलेक्शन स्टार्ट भी हो गया, होपफुली जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है, अगर आप वहाँ हैं तो आपने वोट किया होगा, वोट ज़रूर करें। तो देखिए, इंडियन इलेक्शंस मोस्टली मार्केट मान के चल रहा है कि करंट गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करेगा, लेकिन आपको पता है इलेक्शंस हैं, इंडियन इलेक्शंस है, यू नेवर नो लास्ट मोमेंट पे क्या होने जा रहा है। तो जब तक ये आउटकम ना आ जाए 4 जून को, तब तक थोड़ा तो डाउट बना रहेगा, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्केट में एक टेंशन, हल्का फुल्का टेंशन बना हुआ है, और ख़ासकर FIIs के लिए।
तो वो जब एक रिजल्ट आ जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, तो वो भी मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। बट फिलहाल थोड़ा बहुत टेंशन तो उसको लेकर बना हुआ जरूर है। नंबर फोर्थ रीजन है वैल्यूएशंस। देखिए वैल्यूएशंस अभी भी ज्यादा है। लार्ज कैप तो गिरकर फिलहाल मतलब ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड के आसपास आ गया, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप तो अभी भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो देखिए एक तरह से अगर देखा जाए, मैंने कई बार आप लोगों के साथ ये डिस्कस भी किया है ना कि इंडियन स्टॉक मार्केट अगर थोड़ा बहुत गिर रहा है इसको एक पॉजिटिव लें, ये नेगेटिव नहीं लें, क्योंकि इससे हमारा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो रहा है। तो एक बार हमारा वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे, फेवरेबल अगर रिजल्ट्स आते हैं तो ओवरऑल बहुत अच्छा होगा इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि FIIs का अच्छा खासा पैसा इंडिया में आएगा। मैंने कई बार बताया है इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएगा तब तक FIIs का ज़्यादा पैसा इंडिया में ना आए। देखिए इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं ऑफकोर्स वो मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं देंगे, लेकिन अगर मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको FIIs का अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा बिल्कुल आएगा। एक बार जो हम डिस्कस अभी तक हमने किया है, अगर वो चीज़ें फेवरेबल हो जाएं तो बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा खासा पैसा इस साल और आने वाले सालों में भी बिल्कुल आता रहेगा। इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो देखिए तीन तरीके से मैं डिवाइड करके आपको बताता हूँ। नंबर वन, वैसे इन्वेस्टर्स जिसने ऑलरेडी पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सोच समझ कर अपना रिस्क प्रोफाइल सही से किया है, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का रखा हुआ है, और अगर आपने अच्छे फंड्स में अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, नथिंग टू वरी। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इश्यूज़ ना, कुछ महीने के बाद इसमें से शायद कोई भी इशू नहीं रहेगा, कोई दूसरा नया इशू आ जाएगा। तो इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म हिकअप से बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो किसी ने ऑलरेडी पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बने रहें लॉन्ग टर्म तक, बने रहें लॉन्ग टर्म में, आपको मोस्टली अच्छे रिटर्न्स आएंगे। नंबर सेकंड, वैसे इन्वेस्टर्स जो कि SIP से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो देखिए मार्केट गिर रहा है तो अगर आप SIP कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि जब जब मार्केट गिरेगा आपको लोअर NAV पे आपका म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आपको आएगा, तो ये तो अच्छा है आपके लिए। तो इसीलिए अगर कोई SIP कर रहा है तो बहुत अच्छा है, जब जब मार्केट गिरे अगर SIP उस समय कंटिन्यू कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छा है, आपके जो रिटर्न्स आएंगे थोड़े बढ़कर आएंगे, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर थर्ड, वैसे इन्वेस्टर जो कि लमसम करना चाहते हैं, तो देखिए लमसम तो बिल्कुल थोड़ा अमाउंट तो बिल्कुल किया जा सकता है, ऑल टाइम हाई से तो मार्केट गिरा है ना, और इंडियन मार्केट्स तो हमें पता है इंडियन जो एज अ कंट्री बहुत अच्छा कर रहा है, आने वाले कई सालों तक अच्छा करेगा, स्टॉक मार्केट भी अच्छा करेगा। तो अगर किसी के पास 100 रुपीज़ है तो बिल्कुल 40-50 रुपीज़ तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। अभी मार्केट गिरा, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरा, पहले से तो थोड़ा गिरा है, बट हाँ यहाँ से ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकता है। इसीलिए अगर किसी के पास सरप्लस पैसा है तो मे बी 50%, 60%, 40% जो आपका कंफर्ट है उतना तो बिल्कुल इन्वेस्ट किया जा सकता है। जब जब थोड़ा थोड़ा गिरे आप इन्वेस्ट करते रहें, और यहाँ से अगर और भी थोड़ा बहुत गिरावट आता है तो बाकी का जो पैसा है वो भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। देखिए मार्केट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि लॉन्ग टर्म तक बने रहें, और कोशिश करें कि ज़्यादातर आप इन्वेस्टेड रहें ना, मार्केट पूरा गिर जाएगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मार्केट बहुत ऊपर है मैं पूरा बेच दूंगा, इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी तरह से रिस्क प्रोफाइलिंग करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का करें, और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट करें। देखिए यहाँ पे आप लोग का भी क्वेरी आता है, ऑल्दो मैं कई बार आंसर कर चुका हूँ, म्यूचुअल लमसम के लिए कोई अच्छे फंड्स बताएं। देखिए लमसम के लिए कोई अलग से फ़ंड नहीं आता है, आपके लिए जो भी फंड सुटेबल है बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन, वही उसी में आप लमसम करें। अगर ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, अच्छे फंड्स हैं, उसी में आप लमसम करें। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, अगर 4-5 फंड्स हैं उसी में थोड़ा थोड़ा करके लमसम करते रहें जब जब मार्केट गिरे, अलग से कोई फंड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि ना मार्केट गिर रहा है समय लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप कहाँ इन्वेस्ट करें, देखिए इन चक्रों में नहीं पड़े आप। मान लीजिए आपने फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो फ्लैक्सी कैप आपको पता है ना फंड मैनेजर कॉल ले सकता है, तो आप ये मान कर चलें कि अगर आपने किसी अच्छे क्वालिटी के फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस फंड मैनेजर को आपसे ज़्यादा अच्छा आइडिया है, तो अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में तो वो करेगा, क्योंकि उसे भी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करने हैं।
तो आपका काम सिर्फ क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन, पोर्टफो रिस्क प्रोफाइलिंग, उसके बाद ऑफ कोर्स एसेट एलोकेशन आप सही से करें कि डेट में कितना रखें, इक्विटी में कितना रखें, उसके बाद आप मार्केट कैप एलोकेशन का एक रफ आइडिया रखें कि लार्ज कैप में मुझे इतना डालना है, मिड कैप में इतना डालना है, स्मॉल कैप में इतना डालना है। बस ये सिंपल है, कई बार मैं ये रिपीट करता हूँ, बट यही बेसिक है। अगर आप इन बेसिक्स को ध्यान में रखते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, तो आप अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से जनरेट कर पाएंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे इन्वेस्टमेंट में तो आपको प्रॉब्लम होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है, तो कल सैटरडे है, शाम को 8 to 9 PM मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा। वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।